नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए रिवाइज्ड आंसर की 19 जनवरी 2019 को जारी होनी है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के संबंध में कि कितने प्रश्नों के संदर्भ में वह विचार कर रहे हैं आपत्तियों को स्वीकार करने के संदर्भ में, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि कितने नंबर तक उम्मीद जताई जा सकती है कि इसमें नंबर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने यह सूचना दी है कि भारी संख्या में आपत्तियों के आने के बाद भी कहीं से भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय या फिर विशेषज्ञ बिल्कुल भी दबाव में नहीं है, क्योंकि इस बार अभ्यर्थियों ने 142 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करा दी थी, जिससे निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों का यह पक्ष बहुत ही कमजोर हो गया है, क्योंकि जो प्रश्न सही थे उन पर भी कैंडिडेट्स ने आपत्ति दर्ज करा दी है। तो निश्चित तौर पर जो जेन्युइन प्रॉब्लम थे, मीन्स जेन्युइन जो आपत्ति थी, उसको भी हल्के में लिया जा रहा है पीएनपी के द्वारा, और ये कैंडिडेट्स की ही गलती है कि जो प्रश्न सही होने के बावजूद भी उस पर आपत्ति कर दी गई थी कैंडिडेट्स के द्वारा, और लगभग 12,000 अभ्यर्थियों ने एक से ज़्यादा बार आपत्तियां दर्ज कराई थी। तो निश्चित तौर पर ऐसे जो प्रयास किए जाते हैं कैंडिडेट्स के द्वारा, वह और भी ज़्यादा उनके पक्ष को कमज़ोर करते हैं, क्योंकि इससे जो जेन्युइन या फिर जो सही और सटीक आपत्ति की जाती है उनको भी हल्के में ले लिया जाता है संस्था के द्वारा। दोस्तों, अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा यह सूचना दी गई है कि इस बार जो आंसर की जारी की गई थी वह लगभग सही है, और बहुत ही कम प्रश्नों पर ही वह आपत्तियों पर विचार करने वाले हैं। दोस्तों, पीएनपी के द्वारा यह सूचना दी गई है कि 2 दिन के अंदर ही विशेषज्ञों द्वारा इसकी जाँच कराते हुए कौन सी आपत्तियों को स्वीकार किया जाएगा इसके संदर्भ में 19 जनवरी 2019 तक संशोधित आंसर की पब्लिक डोमेन में ला दी जाएगी। दोस्तों, इसी के संदर्भ में पेपर में एक आर्टिकल निकली हुई थी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यूपी टीईटी 2018 की तरह 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर बदलने के आसार नहीं हैं। भले ही परीक्षा में पूछे गए अधिकांश प्रश्नों पर सवाल उठे हैं और आपत्तियां करने वालों की तादाद भी काफ़ी अधिक है, परीक्षा संस्था व विशेषज्ञ आपत्तियों की संख्या को लेकर के कतई दबाव में नहीं है, इसलिए अंत तक कुछ प्रश्नों के ही उत्तर बदल सकते हैं। परीक्षा संस्था की माने तो संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने के लिए प्रश्नों के जवाब पर मंथन चल रहा है। यह कार्य 2 दिन में पूरा हो जाएगा और 19 जनवरी को शाम तक संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी कर दी जाएगी। इस बार कुछ प्रश्नों के उत्तर पर ही असमंजस है, अधिकांश प्रश्नों के जवाब सही माने जा रहे हैं। परीक्षा संस्था का कहना है कि प्रश्नों के जवाब बदलने पर अंतिम निर्णय विशेषज्ञों का होगा। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर इस बार बहुत ज़्यादा अगर जिन प्रश्नों में आपत्तियां स्वीकार की जाती हैं तो उनकी संख्या 3 से 4 हो सकती है, इससे ज़्यादा उम्मीद लगाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह अपडेट पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।